दोस्तों, क्यों करण जौहर ने बर्बाद कर दिया था इन सेलिब्रिटीज का करियर? लिस्ट में शामिल इस एक्टर को तो करवा दिया था फिल्मों से बैन। चलिए जानते हैं कौन है वो स्टार्स जिनको करण जौहर करना चाहते थे। बर्बाद नंबर एक, सुशांत सिंह राजपूत। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले सुशांत सिंह राजपूत को भला कौन नहीं जानता। हालांकि अब वह हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी एक्टिंग और उनके डांस मूव्स को भला कैसे भुलाया जा सकता है। ऐसा सुनने में आता है कि करण जौहर सुशांत को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उन्होंने तो उन्हें अपने धर्मा प्रोडक्शन हाउस से बैन तक कर रखा था। साथ ही और भी कई बड़ी प्रोडक्शन कंपनी से सुशांत के साथ काम न करने को बोला था, जिस वजह से सुशांत के करियर पर काफी बुरा इफेक्ट हुआ था और यहाँ तक कि इसका इफेक्ट इनको मिलने वाले कई प्रोजेक्ट्स पर भी हुआ, क्योंकि इनको मिलने वाले कितने प्रोजेक्ट्स को भी करण जौहर ने बंद करवा दिया था। नंबर दो, अनुष्का शर्मा। अगर बात करें स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल अनुष्का शर्मा की, तो इन्हें करण जौहर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये एक आउटसाइडर थी। ऐसा करण जौहर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने तो फिल्म रब ने बना दी जोड़ी को डायरेक्ट करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आदित्य अनुष्का जैसी आउटसाइडर को लॉन्च करें। हालांकि उनके लाख ना चाहने के बाद भी अनुष्का ने इस फिल्म में काम किया था, जो सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। नंबर तीन, आयुष्मान खुराना। पानी तरंग गाने और विक्की डोनर मूवी से अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए एक्टर आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज खुद के पैर मजबूती से खड़े कर लिए हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इन्होंने करण जौहर से फिल्म के लिए मदद मांगी थी, जहां करण जौहर ने दो टूक जवाब देते हुए यह कहा था कि आउटसाइडर्स के लिए धर्मा प्रोडक्शन में कोई जगह नहीं है, और उसी के बाद से आयुष्मान खुराना ने यह डिसाइड किया कि आगे वह कभी भी धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम नहीं करेंगे। नंबर चार, प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा आज लाखों दिलों की धड़कन है। लेकिन बॉलीवुड में एक टाइम ऐसा भी था जब ऐसा लगा कि इनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि उस वक्त डॉन मूवी के बाद इनका और शाहरुख खान का अफेयर स्टार्ट हो गया था, जिसकी खबर शाहरुख की पत्नी गौरी खान को होते ही उन्होंने इंडस्ट्री के अपने सबसे अच्छे दोस्त करण जौहर को बोलकर प्रियंका चोपड़ा को इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट बैन करवा दिया था। लेकिन प्रियंका यहीं कहां रुकने वाली थी, उन्होंने उसके बाद हॉलीवुड की तरफ रुख किया और वहां अपनी अलग पहचान बनाई। नंबर पांच, कंगना रनौत। कंगना रनौत बॉलीवुड की एक सफल एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम एज में फिल्म गैंगस्टर से की थी, जिसके लिए इन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था, और इसके बाद इनका करियर काफी अच्छा भी रहा था। लेकिन यह बात भला करण जौहर को कैसे बर्दाश्त होती, क्योंकि वो किसी आउटसाइडर को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, जिसके बाद उन्होंने कंगना को डिफेंड करना शुरू किया और उनके अगेंस्ट कई सारे आर्टिकल छपवाए। लेकिन कंगना तो कंगना है। हालांकि इन सब चीजों ने कंगना को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी अपनी एक्टिंग और टैलेंट के दम पर उन्होंने सफलता हासिल की और आज बॉलीवुड की हिट और बड़ी एक्ट्रेस में उनका नाम शुमार है।